एक तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, और न्यूरोलॉजी में बड़े लोगों में वो साइंस एलिसिट करना आसान है, छोटे बच्चों में थोड़ी एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चों में मिर्गी का रोग है, या बच्चों में सिरदर्द काफ़ी आमतौर पर पाया जाता है, बोलने चलने विकास में देरी, ऑटिज़म, ADHD, न्यूरो इन्फेक्शंस यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस हैं, इन तरह की बीमारियों से एक न्यूरोलॉजिस्ट डील करता है। इसके लिए समझना मुश्किल है, मगर सर दी बेस्ट ऑब्जर्वर तो वो अर्लीस्ट पिक कर लेती हैं कि ये बच्चे का नॉर्मल बिहेवियर नहीं। न्यूरोलॉजी से रिलेट करके देख सकते हैं उसको तब, जबकि सिरदर्द के साथ मतलब रोशनी से परेशानी होना, जिसको फोटोफोबिया कहते हैं, इन चीज़ों को सिरदर्द के साथ और क्या क्या सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं उससे जोड़ रिलेट करके देखना होता है। बहुत सारे बच्चों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, उनके कारण मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। मिर्गी के कई रूप हो सकते हैं, मिर्गी हैं जो कि समय के साथ चले जाते हैं। जैसे हो गया बुखार के साथ मिर्गी आना, जो कि 5-6 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे स्वतः ही बंद हो जाता है। इन चीज़ों में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर करने से आप वो इम्पॉर्टेंट समय लूज कर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को बोलने में, सोशल इंटरेक्शन, इन दो डोमेन में गड़बड़ी है। बोलना, देखिए, कम्युनिकेट करने का इंसान को कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बोल के भी बात कर सकता हूँ और मैं बिना बोले इशारे में भी आपको बातों को समझा सकता हूँ, तो ऑटिज्म में इन दोनों चीज़ों में गड़बड़ी रहती है। सिर्फ लैंग्वेज, बोलने का लैंग्वेज नहीं, बल्कि उसको दूसरे तरह से एक्सप्रेस करने में भी उनको दिक्कत होती है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक होता है जो लड़कों में मिलता है, रेड सिंड्रोम होता है जो ज़्यादातर मतलब लड़कियों में ही मिलता है। इसमें हम ट्रीटमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट में देखिए ज़्यादातर लोगों में एक ये धारणा है कि इसकी कोई दवा मिल जाए तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। नमस्कार, सिटलाइन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं हूँ प्रशांत झा। आप जानते होंगे कि भारत में चिकित्सा पद्धति वर्षों पुरानी है, यूँ कहें कि हजारों वर्ष पुरानी है। हजारों साल पहले अपने यहाँ सुश्रुत, चरक, जीवक जैसे चिकित्सक हुए, और हजारों साल पहले हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी होती थी। निसंदेह समय के कालखंड में भारत जब गुलाम हुआ तो यहाँ चिकित्सा विज्ञान की गति थोड़ी थमी, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आज के दौर में भारत में चिकित्सा विज्ञान एक बार फिर से तरक्की की राह पर है। एक से बढ़कर एक यहाँ चिकित्सा विज्ञान के माहिर और जानकार डॉक्टर हैं। एक अध्ययन के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि अमेरिका जैसा विश्व का सबसे शक्तिशाली देश में हर 8वां डॉक्टर भारतीय है। खैर, मौजूदा दौर में बदलते जीवन शैली के बीच कई तरह की बीमारियाँ पनप रही हैं। जितनी तरह की बीमारियाँ उतनी समस्याएँ, और जो बीमारियों से ग्रसित होते हैं उन्हें इन समस्याओं के समाधान के लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता होती है। बड़े तो ठीक हैं, बच्चों के मामले में कठिनाई बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जो बोलते हैं भी हैं समझा नहीं पाते हैं, और उसमें भी अगर न्यूरो की समस्या हो जाए तो काफ़ी कठिन हो जाती है। ऐसे ही न्यूरो के जानकार और दिग्गज चिकित्सक, युवा चिकित्सक हमारे बीच हैं, डॉक्टर अभिषेक कुमार दुबे रांची से ये धनबाद आते हैं 2 दिन समय निकाल करके धनबाद के मरीजों का इलाज करने के लिए। महीने के दूसरे और चौथे रविवार को बैंक मोड़ स्थित यमुना मेंशन के कुमार एसोसिएट्स में ये अपनी सेवा देते हैं, और न्यूरो संबंधी, खासकर बच्चों से न्यूरो संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं उसके लिए ये सहज उपलब्ध होते हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार दुबे से, जानते हैं बच्चों की न्यूरो संबंधी बीमारियों के बारे में, कुछ लक्षणों के बारे में, और ऐसी कुछ बातें जो अभिभावकों के लिए और जो बीमार बच्चे हैं उनके लिए लाभदायक हो सकेंगे। सर, सिटलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। जानना चाहेंगे सर कि आज के दौर में आप डॉक्टर अभिषेक कुमार दुबे हैं, कभी अभिषेक कुमार दुबे रहे होंगे, तो अभिषेक कुमार दुबे से डॉक्टर अभिषेक कुमार दुबे की जो बनने की कहानी है उसे संक्षेप में बताया जाए। जी, तो मेरी मेडिकल लाइफ या मेरी मेडिकल जर्नी की शुरुआत MBBS से हुई, जो मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से की है। उसके पश्चात मैंने पीडियाट्रिक्स में MD किया है BHU वाराणसी से। उसके बाद मैंने 2 साल सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम किया है रिम्स रांची में, और उसके पश्चात मैंने 2 वर्षों का फेलोशिप किया है पीडियाटिक न्यूरोलॉजी में CMC वेलोर से। फिर उसके बाद से मैं रांची में काम कर रहा हूँ। फिलहाल सर आप कहाँ कहाँ सेवा दे रहे हैं? इस समय मैं रांची में, हमारी क्लिनिक है पिस्का मोड़ पे, वहाँ पे प्रतिदिन रविवार छोड़कर, और उसके अलावा मैं दूसरे और चौथे रविवार को धनबाद में। जी, बच्चों की तो परेशानी कठिन होती है, समझने योग्य नहीं हो पाती है, तो डॉक्टर उसको समझ पाते हैं, लेकिन बच्चों में यदि न्यूरो संबंधी परेशानी हो जाए तो वो और ट्विस्ट मानी जाती है, तो न्यूरो की तरफ झुकाव कैसे हुआ? कुछ इसी कारण से, क्योंकि न्यूरोलॉजी में देखिए, एक तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, और न्यूरोलॉजी में जो डायग्नोसिस बनानी होती है वो काफ़ी हद तक जो पेरेंट्स डिटेल्स देते हैं, जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, और फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत ही
सटल होते हैं, मतलब बड़े लोगों में वो साइंस सेलिसिट करना आसान है, छोटे बच्चों में थोड़ी एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। तो न्यूरोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था। न्यूरोलॉजी काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि चीज़ों को जोड़ के देखना, कड़ी से कड़ी जोड़ना, तो इन चीज़ों को, इस वजह से मेरा इंटरेस्ट था उसमें, और फिर इसलिए मैंने न्यूरोलॉजी उठाया। सर, जानना चाहेंगे एक सहज और सवाल जो हमेशा अभिभावकों के मन में रहता है, बच्चों में कौन सी ऐसी स्थिति होनी चाहिए तब जब अभिभावकों को, गार्जियनों को अपने बच्चे के लिए न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? जैसे बच्चों में मिर्गी का रोग है, तो बच्चों में अगर किसी को मिर्गी का रोग हो रहा है, या बच्चों में सिरदर्द काफ़ी आम तौर पे पाया जाता है, फिर बच्चों में जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि बोलने चलने विकास में देरी, ऑटिज़म, ADHD, ये चीज़ें हो गई, मूवमेंट डिसऑर्डर यानी कि हाथ पैर में ऐंठन आना, इन चीज़ों में, फिर है न्यूरो इन्फेक्शंस यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस हैं, ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी मतलब बीमारियाँ होती हैं जिसमें शरीर खुद के अगेंस्ट काम करता है, और उसमें फिर कभी उसके कारण मिर्गी आना या हाथ पैर में कमज़ोरी आना, देखने में मतलब आँखों की रोशनी जाना, इन तरह की मतलब इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। फिर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जिसमें कि नर्व मसल का जो रिलेशन है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी होने से हाथ पैर में कमज़ोरी आना, तो इन तरह की बीमारियों से एक न्यूरोलॉजिस्ट डील करता है। तो अगर बच्चे में इस तरह की कोई भी समस्या हो रही है तो उनको एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल। प्रैक्टिस के दौरान सर ऐसा तो हो सकता है आपको देखने को मिला होगा, चूँकि जो सब समस्याएँ प्रारंभिक लक्षण होते हैं बच्चों में, जैसे किसी में कमजोरी होती है या हाथ पैर ऐंठना होता है, तो शुरुआती दौर में तो गार्जियन यह नहीं समझ पाते होंगे कि ये न्यूरोलॉजी का विषय है। हाँ, पेरेंट्स के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन जो मदर्स होती हैं, जो माँ होती हैं, वो अपने बच्चे को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही होती हैं, तो उनको शुरू में ही समझ में आ जाता है कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। उनको डाउट होना शुरू होता है, लेकिन फिर होता है कि घर वाले बोलते हैं नहीं है तो सभी बच्चों में होता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समय देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कैसा रहता है, कैसा आगे बिहेव करता है, तो इन कारणवश लोग मतलब डॉक्टर से परामर्श लेने में लेट करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मदर्स आर दी बेस्ट ऑब्जर्वर, तो वो अर्लीस्ट पिक कर लेती हैं कि ये बच्चे का नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो जब भी मदर्स को ऐसा लगे तो आई थिंक कि लोगों को उसको सीरियसली लेना चाहिए, और कुछ नहीं तो एक बार परामर्श लेने में कोई हर्जा नहीं है। तो सर, आपने बात की मिर्गी की, आपने बात की अन्य सारी डिसऑर्डर्स की, एक सामान्य समस्या जो सबके साथ होती है, जीवन में सबको होता ही है, वो है सिरदर्द की समस्या। बच्चों में भी सिरदर्द की समस्या होती है, तो वो सिरदर्द न्यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ है या नहीं है, इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, आमतौर पे मतलब सिरदर्द के कारण हो सकते हैं जैसे आंखों में रोशनी की कमी, कुछ बच्चों में BP की बीमारी के कारण सिरदर्द हो सकता है, लेकिन न्यूरोलॉजी से रिलेट करके देख सकते हैं उसको तब जबकि सिरदर्द के साथ मतलब रोशनी से परेशानी होना, जिसको फोटोफोबिया कहते हैं, किसी जोर के आवाज़ से परेशान होना, सिरदर्द बढ़ जाना, जिसको फोटोफोनोफोबिया कहते हैं। तो अगर सिरदर्द में बच्चा चाह रहा है कि कमरे का लाइट बंद हो, आराम करे, सोए, जोर का कोई आवाज़ ना हो, एक तो ये हो गया जो माइग्रेन संबंधित बीमारी में होता है। इसके अलावा फिर जो रेड फ्लैग साइंस होते हैं, जैसे कि अगर सिरदर्द के साथ उल्टी हो रही है और उल्टी होने के बाद सिरदर्द में आराम मिलता है, या सिरदर्द के साथ मिर्गी का दौरा आया है, या हाथ पैर में कहीं कमज़ोरी दिख रही है, तो इन विषयों में इसके अलावा कभी कभी ब्रेन का प्रेशर बढ़ने से सिरदर्द होता है, कभी कभी जो ब्रेन में रक्त की धमनियाँ होती हैं उसमें रुकाव आने से सिरदर्द होता है। तो इन चीज़ों को सिरदर्द के साथ और क्या क्या सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं उससे रिलेट करके देखना होता है। तो वही है, लाइट से परेशानी, आवाज़ से परेशानी, किसी तरफ हाथ पैर में कमजोरी, कोई साथ में मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, कंपन हो, उल्टी होने से सिरदर्द में आराम पड़ रहा है, मतलब जोर लगाने से सिरदर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा सिरदर्द जो रात में नींद, जिसके कारण रात की नींद खराब हो रही है, बच्चा नींद से उठ जा रहा है सिरदर्द के कारण, तो इन विषयों में सिरदर्द को गंभीरता से लेना चाहिए और फिर मेरे हिसाब से किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। बच्चों में मिर्गी के सर क्या कारण होते हैं, क्या इसका इलाज संभव है? देखिए, बच्चों में मिर्गी का कारण वैसे तो कई कारण हैं, एक तरह से मतलब एक संक्षिप्त रूप में बोलना इतना भी संभव नहीं है, बहुत ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, जो बनावट है, उसमें गड़बड़ी होने के कारण हो सकता है ना। फिर बहुत सारे बच्चों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, उनके कारण मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, कुछ जेनेटिक कारण है उन बच्चों में मिर्गी के कारण का, बट आमतौर पर बुखार के साथ बच्चों में देखा जाता है, वो तो काफ़ी कॉमन है एक, बट हाँ, मिर्गी के कई रूप हो सकते हैं, मतलब जैसे कि किसी बच्चे में, जैसे 6-8 महीने के बच्चों में सो करके उठने के बाद सुबह सुबह शरीर का एक छोटा सा इस तरह का जर्क जो कई बार आता है सो करके उठने के बाद अगले 2-5 मिनट के अंदर, और फिर ठीक हो जाता है, फिर दिन में कई बार बीच बीच में आता रहता है जब भी बच्चा सो करके उठे, तो एक ये एपिलेप्टिक स्पैज़म बोलते हैं इनको, जो कि पिक करना
चूँकि लोगों को नॉलेज नहीं है कि ये मिर्गी हो सकता है जी। तो एक ये एपिलेप्टिक स्पाज़म है, बाकी तो लोगों को पता है आँखें तरेर देना, हाथ पैर टाइट हो जाना या हाथ पैर में जर्क आना, ये तो आम लक्षण है मिर्गी के। कुछ एक कई तरह की मिर्गियाँ और बच्चों में होती हैं, जैसे कि बच्चा बैठा है थोड़ी देर के लिए, अवाक हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है 10-15 सेकंड 20 सेकंड, जिसको एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं। तो इस तरह की भी एपिलेप्सी होती हैं। कुछ होता है जिनमें ऐसा जर्क आता है और बच्चा अचानक से गिर जाता है, जिसको मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। तो कई टाइप्स हैं मिर्गी के, जो कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये घर में अगर आपको डाउट है कि इस तरह का कुछ हो रहा है, कुछ दिख रहा है जो कि आपको नहीं मालूम कि शायद ये मिर्गी हो सकता है, मैं इसलिए लोगों की जानकारी के लिए बताना चाह रहा था कि हाँ, ये भी इस तरह की भी मिर्गी होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आँख तरेर करके हाथ पर टाइट होना ही मिर्गी होता है, उसके भी कई तरह होते हैं। तो मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं, कई तरह की हो सकती है। तो बेस्ट जो एडवाइस मेरा होता है कि अगर आपको लगता है कि ये किसी भी बच्चे के नॉर्मल बिहेवियर से हटकर कुछ है जी, तो आपको संपर्क करना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट से। तो सर, क्या इसका इलाज संभव है? जी, बिल्कुल संभव है। ज़्यादातर मतलब काफ़ी सारे मिर्गी के दौरे जो कि बचपन में देखे जाते हैं, जो चाइल्डहुड एज में देखे जाते हैं, वो विद द एज धीरे धीरे चले जाते हैं। जिनमें अगर बच्चा मतलब दिमागी रूप से नॉर्मल है, नॉर्मल बिहेविंग चाइल्ड है, उसको मिर्गी आता है, तो उसके कई कारण होते हैं, कई तरह की बिनाइन एपिलेप्सी जो कि समय के साथ खत्म हो जाती है, ऐसी होती हैं। तो उनका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट तो वैसे सभी मिर्गी का है, लेकिन ये कुछ मिर्गी हैं जो कि समय के साथ चले जाते हैं। जैसे हो गया बुखार के साथ मिर्गी आना, जो कि 5-6 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे स्वतः ही बंद हो जाता है। तो उसी तरह और भी बिनाइन मिर्गी जो एपिलेप्सी होती हैं, जो कि समय के साथ चली जाती हैं। इसके अलावा बहुत गंभीर मिर्गी भी होते हैं, लेकिन उनका भी इलाज संभव है। काफ़ी दवाइयाँ हैं जिनका सही समय पर सही टारगेटेड इलाज करने से उनको कंट्रोल में लाया जा सकता है और जड़ से मुक्त किया जा सकता है। कई बच्चों में सर विकास में देरी होती है या बोलने में देरी होती है, इनका संबंध न्यूरोलॉजी से कैसे हो पाता है? देखिए, विकास में देरी होना, ये इसका पूरा संबंध न्यूरोलॉजी से ही है, क्योंकि जो बच्चा का ब्रेन है वो एक डेवलपिंग ब्रेन होता है, एक ऐसा ब्रेन जो कि अगले जन्म के 4-5 साल तक उसके नेटवर्क्स मैच्योर होते हैं और वो डेवलप करता है। तो इस तरह से बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, नए नए जैसे पहले बैठना सीखेंगे, उसके बाद चलना सीखेंगे, ये नेटवर्क्स के मैच्योरेशन के साथ धीरे धीरे आता है। तो अगर इसमें कहीं गड़बड़ी है किसी भी कारणवश रही हो, तो डेवलपमेंट में डिले होगा, ठीक है। डेवलपमेंट के कई पार्ट्स हैं, जो एक तो आप हाथ पैर का डेवलपमेंट जो बोलते हैं कि गर्दन संभालना सीखा, बैठना सीखा, चलना सीखा, एक ये हो गया। उसी तरह लैंग्वेज का भी है, मतलब 6-8 महीने में बच्चा माँ माँ बाबा बाबा इस तरह बोलना शुरू करता है, साल भर में 1-2 शब्द बोल पाता है, और धीरे धीरे 2-3 साल में शब्दों को जोड़ना, सेंटेंस बनाना इस तरह से सीखता है। तो ये एक डेवलपिंग मैच्योरिंग ब्रेन का एक प्रोसेस है। अगर इसमें कहीं किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसमें डेवलपमेंट में, विकास में देरी, बोलने में देरी, ये होगी। न्यूरोलॉजी से जुड़ा, तो ये तो पूरी तरह से न्यूरोलॉजी से जुड़ा है। इस मामले में कब आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? मेरा मतलब देखिए, इन चीज़ों में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर करने से आप वो इम्पॉर्टेंट समय लूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम उसको इंटरवेंशन दे करके उसको बूस्ट अप कर सकते हैं, उस डेवलपमेंट को, है ना। तो देखिए, जितनी अगर आपको लगता है, कभी भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में आपको विकास में देरी लग रही है, तो मेरा मानना है कि जब भी इस तरह से जैसे वैक्सीनेशन के लिए रेगुलर विजिट्स पे लोग जाते हैं पीडियाट्रिशियन के पास, तो वो वहाँ पर एक डेवलपमेंट असेसमेंट करा सकते हैं अपने पीडियाट्रिशियन से कि क्या विकास में देरी है, तो ये असेसमेंट करके बताया जा सकता है। क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए तो वैसे भी लोग जनरली अपने पीडियाट्रिशियन के पास जा ही रहे हैं, तो अगर उसी विजिट में वो साथ ही साथ एक डेवलपमेंट मैच्योरेशन का असेसमेंट करा लें, तो उनके दिमाग में जो डाउट है वो क्लियर होगा, और अगर कोई डिले है भी तो पता चल जाएगा, और टाइमली उसको किसी भी डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन से या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर उसका निवारण किया जा सकता है। उसमें जो भी इंटरवेंशन देना है, जितना अर्लीस्ट होगा उतना फ्रूटफुल होता है, जितनी देरी होगी उतनी नुकसान देगा। जी बिल्कुल। एक बीमारी इधर के वर्षों में काफ़ी बड़ी है, चर्चा में रहती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये सर ऑटिज्म क्या है और कैसे बच्चों को प्रभावित करता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को बोलने में और सोशल इंटरेक्शन में, इन दो डोमेन में गड़बड़ी रहती है। बोलना, देखिए, कम्युनिकेट करने का इंसान को कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बोल के भी बात कर सकता हूँ और मैं बिना बोले इशारे में भी आपको बातों को समझा सकता हूँ, तो ऑटिज्म में इन दोनों चीज़ों में गड़बड़ी रहती है। सिर्फ लैंग्वेज, बोलने का लैंग्वेज नहीं, बल्कि उसको दूसरे तरह से एक्सप्रेस करने में भी उनको दिक्कत होती है। एक फादर से भी उस लेवल का इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है जितना एक नॉर्मल बच्चे का होना चाहिए। तो ये एक डाउट क्रिएट करता है पेरेंट्स के मन में, जो जेन्युइन होता है कि नहीं, मेरा बच्चा मेरी तरफ उतना नहीं देखता, पीछे से बुलाने पे सुन के अनसुना कर देता है, कभी मुझे लगता है पता नहीं सुन पाता है या नहीं सुन पाता है।
और मतलब इसके साथ बहुत सारे रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि एक जगह पे जंप करना, या फिर हाथों को इस तरह से हिलाना, या बैठे बैठे इस तरह से टू एंड फ्रो रॉक करना, सिर को इस तरह से हिलाना। तो ये कुछ लैंग्वेज सोशल इम्पेयरमेंट के साथ साथ इस तरह के रिपीटेटिव बिहेवियर भी देखे जाते हैं। तो इसमें सर अनुवांशिकता की कितनी भूमिका होती है? अनुवांशिकता की भूमिका, देखिए कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनका डेफिनेट एसोसिएशन, जो कि मतलब बिल्कुल पता है कि हाँ ये ऑटिज़म से एसोसिएटेड हैं, ऐसे कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, जैसे कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक होता है जो लड़कों में मिलता है, रेड सिंड्रोम होता है जो ज़्यादातर मतलब लड़कियों में ही मिलता है। तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का तो डेफिनेट एसोसिएशन है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे ऑटिज़म के मरीजों को देखा जाए तो 15-20% केसेस से ज़्यादा केसेस में हम कोई जेनेटिक एसोसिएशन ढूंढ नहीं पाते हैं। और ज़्यादातर केसेस में इन केसेस को जेनेटिक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी केसेस में एक्सटेंसिव सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कोई कारण नहीं मिल पाता जी। ऐसा अभी देखा गया है सर कि ऑटिज़म की शिकायतें लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों? जी, लड़कियों की तुलना में लड़कों में ज़्यादा पाई जाती हैं अगर उनका आईक्यू ठीक है। विथ डिक्लाइनिंग आईक्यू, कम आईक्यू जिनमें है उनमें लड़कियों में ज़्यादा देखी गई है। तो देखिए ये एक एसोसिएशन है जो कि एक नंबर ऑफ ऑटिज़म के पेशेंट्स को स्टडी करने पे और पीछे मुड़ के देखने पे कि किनको ऑटिज़म था, तो ये डाटा निकल के बाहर आया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस कारण से लड़कों में ज़्यादा होता है या इस कारण से लड़कियों में ज़्यादा होता है, इसका कोई कारण आज तक एक डेफिनेट कारण कभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये एक मल्टीफैक्टोरियल कारण है, मतलब बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जिसमें जेनेटिक्स अपना रोल प्ले करता है, एनवायरनमेंट अपना रोल प्ले करता है, और सबका एक मिला जुला असर इस तरह से दिखता है। तो पूरी तरह से डेफिनेटली बोल पाना ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में संभव नहीं है। बिल्कुल। तो ऑटिज्म का सर इलाज होता है, अगर इसको सक्सेस रेट के पैमाने पर देखा जाए तो कैसे देखा जाए? देखिए ऑटिज़म एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, इसका कोई क्योर नहीं है। हाँ, इसमें हम ट्रीटमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट में देखिए ज़्यादातर लोगों में एक ये धारणा है कि इसकी कोई दवा मिल जाए तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ये ऑटिज़म उस तरह की बीमारी नहीं है जिसमें कोई एक मेडिसिन देंगे, उसको कुछ समय खाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, उसके लिए आपको बिहेवियरल थेरेपीज़ करनी होती हैं। कई सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं, स्पीच थेरेपीज़ हैं, जो कि समय के साथ उसके डेवलपमेंट के स्टेटस के हिसाब से, क्या डेवलपमेंटल एज है उसका, उसके हिसाब से बदलती रहती हैं। उसको लाइफ स्किल सिखाना होता है, धीरे धीरे उस पर वर्क करके, और उसको एक मतलब उसको एक ऐसा इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाना है जो कि अपना जीवन खुद से जी सके जी। ये एम ऑफ ट्रीटमेंट होता है। हाँ, माइल्ड और माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज़म में कई बार अच्छी तरह से थेरेपी देने से वो पूरी तरह से भी ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन कोई ये क्लेम करे कि मैं इसको पूरी तरह से 100% ठीक कर दूंगा, मैं स्टेम सेल थेरेपी दे करके ठीक कर दूंगा, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई डेफिनेटिव साइंटिफिक लिटरेचर हमारे पास आज की डेट में नहीं है कि ये करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे पास एक ही चीज़ है हाथ में करने को, वो है थेरेपीज, और उसको ठीक से समझ करके अपने जहाँ भी आप जिस भी सेंटर पर कर रहे हैं वहाँ से बराबर उनसे जुड़े रहें, उनके संपर्क में रहें, जैसा बताएं वो फॉलो करें। बेसिकली ट्रीटमेंट तो मदर फादर को ही करना होता है, वो तो घर पे होता है। सिर्फ थेरेपी सेंटर्स आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं कि किस तरह से करना है। कोई इसकी दवा नहीं है जिससे वो क्योर जो है? कोई दवा नहीं है जिससे क्योर हो सके। एक बीमारी सर न्यूरोलॉजी से जुड़ी और है जो काफ़ी, ये भी नहीं है कि ऑटिज़म के लोग अच्छा नहीं करते हैं। ऑटिज़म के कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हुए हैं जो ऑटिस्टिक थे, कुछ बच्चों में जिनको हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म ऑटिस्टिक चिल्ड्रन बोलते हैं, जिनकी मतलब ऑटिज़म में आईक्यू ठीक होता है जी, तो वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो कुछ लोगों में उनका इंटरेस्ट इतना, किसी का म्यूज़िक में इतना अच्छा इंटरेस्ट है, किसी का पेंटिंग में अच्छा इंटरेस्ट है, किसी का मैथ्स में अच्छा इंटरेस्ट है, तो कुछ लोग जिनको किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो दे एक्सेल, इतना अच्छा एक्सेल करते हैं कि दुनिया भर में उनका नाम होता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑटिज़म को बेसिकली एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि मेरा बच्चा लाइफ में इंडिपेंडेंटली अच्छा काम कर सके, तो इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। लेकिन हाँ, बड़े होने पर भी सोशल इंटरेक्शन में मतलब वो अपना सारा काम करेंगे लेकिन लोगों से उतना घुलना मिलना नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात रह जाती है किसी कोई। तो इसलिए बोलते हैं कि क्यूरेबल नहीं है, कुछ ना कुछ सोशल इंटरेक्शन में गड़बड़ी रह सकती है जी। बिल्कुल। एक बीमारी सर न्यूरोलॉजिस्ट जुड़ी और चर्चा में होती है, ADHD, किसको कहा जाता है, तो इस यह बीमारी क्या है, दर्शकों को आप बताएंगे? ADHD का पूरा मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें अटेंशन डेफिसिट मतलब कि अटेंशन की कमी, वो एक जगह काफ़ी देर तक अटेंशन लगा के नहीं रहता है, तो जैसे कि क्लास वर्क में ध्यान लगा करके बोर्ड पे जो लिख रहे हैं उसको उतारना है, ठीक अटेंटिव नहीं है तो वो ठीक से जो क्लास में हो रहा है वो लिखेगा नहीं, बार बार गड़बड़ियाँ करेगा, कुछ लिखेगा कुछ छोड़ देगा, कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है आधा सुना अनसुना कर दिया, तो ये हो गया अटेंशन डेफिसिट, मतलब उसमें अटेंशन की कमी है। और साथ ही साथ दूसरा मतलब इनके दो ग्रुप होते हैं, कुछ इनअटेंटिव टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, इसलिए हाइपर एक्टिव अटेंटिव मिला के एक नाम बनाया गया, लेकिन इसमें दो ग्रुप होते हैं।
तो इनअटेंटिव वाले में इनअटेंशन का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। दूसरा ग्रुप है हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी, जिसमें हाइपर एक्टिविटी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ करते रहना, ठीक है, एक जगह पर नहीं बैठना, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाना। इम्पल्सिविटी यानी कि करने का इम्पल्स ज़्यादा है, जैसे टीचर ने सवाल पूछना शुरू किया और आपने दो ही वर्ड सुन के जवाब दे दिया, आगे का जब सवाल ही नहीं सुना कि क्या है, तो ये हो गया इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्स, ये एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है इनअटेंशन, इनको मिला करके अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसका इलाज कितना संभव है? इसका भी इलाज ऑटिज्म की तरह ही है, इसमें भी बिहेवियरल थेरेपी, थेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उनसे जुड़ करके एक प्लान वे में स्ट्रक्चर्ड थेरेपी लेकर के आगे बढ़ना। और जी, इसमें 7, 8, 9, 10 साल की उम्र होते होते हाइपर एक्टिविटी की समस्या वैसे ही धीरे धीरे कम हो जाती है, चली जाती है। जी बिल्कुल। सेरिब्रल पाल्सी का क्या कारण होता है सर? सेरिब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि एक एक स्टैटिक बीमारी, यानी कि ब्रेन में एक बार चोट लगा, वो भर गया, उसका कुछ विकार शरीर में दिख रहा है, समझे जी। तो ये एक स्टैटिक बीमारी, यानी कि ये बढ़ने वाली बीमारी नहीं होती है, लेकिन हाँ, एक बार ब्रेन में चोट लगा है तो ब्रेन नया तो नहीं बन सकता, तो जिस जगह में गड़बड़ी हुई है उसका विकार शरीर में दिखता है, तो ये हो गई सेरिब्रल पाल्सी। ये बढ़ने वाली बीमारी नहीं होती है, ठीक। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो आम तौर पे हमारे सेटिंग में देखा जाता है कि बच्चा डिलीवरी के बाद समय से रोया नहीं और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हुई, एक इस कारण से हो सकता है। दूसरा है कि अब जैसे जैसे मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुआ है और अब कम वज़न के बच्चे भी, पहले उतना नहीं हो पाता था लेकिन अब एक किलोग्राम के बच्चे या उससे कम 900, 800, 700 ग्राम के भी बच्चे अब मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के कारण वो डेवलप कर रहे हैं, बट हाँ, उनमें कभी कभी बड़े होने पर दिक्कत दिखाई देखी जा सकती है, ये सेरिब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर है कि जैसे बच्चों में मस्तिष्क का कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण ब्रेन में कुछ डैमेज हुआ, तो उसके कारण भी इस तरह से सेरिब्रल पाल्सी है। तो क्या ये क्यूरेबल है? क्यूरेबल, देखिए, जो ब्रेन में, मैंने जैसे बताया, ब्रेन नया डेवलप नहीं कर सकता, तो जिस पार्ट ऑफ ब्रेन में प्रॉब्लम आ गया वो तो आ गया, लेकिन बाकी ब्रेन तो ठीक है, ठीक है। तो इस पार्ट ऑफ ब्रेन का जो फंक्शन है, हम थेरेपीज दे करके जो नॉर्मल ब्रेन है वो पिकअप कर ले उस पार्ट को, तो इम्प्रूवमेंट कोशिश की जा सकती जी। बिल्कुल। मस्तिष्क ज्वर की चर्चा काफ़ी होती है सर, मस्तिष्क ज्वर से काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं, काफ़ी केसों में वो घातक भी देखा गया है, ये क्या है और उसका कैसे इलाज हो सकता है? मस्तिष्क ज्वर बेसिकली ब्रेन का इन्फेक्शन है। ब्रेन के इन्फेक्शन तो कई कारणों से हो सकते हैं, तो उनमें बैक्टीरियल कारण भी हैं, वायरल कारण भी हैं, जो आमतौर पर आप जिसको मस्तिष्क ज्वर समझ रहे हैं वो वायरल कारणों से जो होता है उनको बोलते हैं जी। उसके लक्षण ऐसे होते हैं, जैसे वो शुरुआत होता है कि एक दो दिन का फीवर हुआ, उसके बाद बच्चे को सिर में दर्द होने लगा, गले में पीछे नाक गले में दर्द हो रहा है, फिर उसके बाद हो सकता है उसको एक दो दिन के बाद मिर्गी आए और उसके बाद बेहोशी की हालत हो जाए। तो ये एक कोर्स ऑफ इलनेस है, बीमारी इस तरह से आगे बढ़ती है और 2-3-4 दिन के अंदर ही बच्चा होश में नहीं होता, तो इसको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। और इसके कई कारण होते हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस हो गया, वायरल इंसेफ्लाइटिस हो गया, जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जो जापानी ज्वर सुनते हैं वो हो गया, कई वायरसेस कराते हैं इस तरह से, कई बैक्टीरिया कराते हैं, तो इनको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। नॉन इन्फेक्टिव भी कारण होते हैं, जिसमें मतलब इन्फेक्शन नहीं है लेकिन एक एडम नाम की बीमारी होती है, कुछ पिकर स्टाफ इंसेफ्लाइटिस होती है, इस तरह की बीमारियों में वो इन्फेक्टिव नहीं है लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम अगेंस्ट काम कर रहा है, तो उस तरह से भी इस तरह का वो होता है। तो इसका इलाज देखिए घर पे संभव नहीं है, इसके लिए बच्चे को ले जा करके एडमिट करना ही होगा, और ये जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन होंगे वही इसको ट्रीट करेंगे। ICU में एडमिशन की जरूरत पड़ती है, स्टेबिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो इसका घर पे इलाज संभव नहीं है, इसके लिए एडमिट ही करना, ज़्यादा देर करना भी खाता है, देर तो करना ही नहीं है, जितनी जल्दी आप लेकर के जा सकते हैं उतनी जल्दी लेकर के जाना है। बिल्कुल। अभिभावकों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि उनके बच्चों को न्यूरोलॉजी संबंधी अगर कोई समस्या हो, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या अपनाना चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर्स इन द सेंस, न्यूरोलॉजी के केसेस में प्रिवेंशन, ज़्यादातर चीज़ों का कोई ऐसा प्रिवेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, जो अभिभावक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जन्म के बाद नहीं रोने और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण कई बार सेरिब्रल पाल्सी की बीमारी होती है, तो डिलीवरी के समय पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी डिलीवरी हो रही है कम से कम वहाँ कोई पीडियाट्रिशियन, मतलब बच्चे का डॉक्टर अगर मौजूद है डिलीवरी के टाइम पे, तो ये ब्रेन में ऑक्सीजन कम होने की समस्या को रोका जा सकता है, मतलब कि अगर कोई पीडियाट्रिशियन रिससिटेशन के लिए वहाँ मौजूद है तो इसको अवॉइड किया जा सकता है, एक चीज़ आप ये कर सकते हैं। दूसरा है कि जैसे आपको मालूम है कि मेरा बच्चा समय से पहले होने वाला है, वज़न कम है, तो उनके जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स जैसे न्यूनेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके देख रेख में अगर उस बच्चे का ट्रीटमेंट हो तो उस जो ब्रेन में जो प्रॉब्लम हो सकती है उनके एक्सपर्ट केयर में शायद उसको अवॉइड किया जा सकता है। फिर है कि जैसे मस्तिष्क ज्वर का आपने जो मुद्दा उठाया, तो उसमें कुछ वैक्सीन्स होते हैं जो कि जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन है, ये देने से मस्तिष्क ज्वर को कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर बात वो होगी कि जितनी जल्दी आप मेडिकल अटेंशन, जितनी जल्दी चिकित्सकीय सलाह लें किसी भी चीज़ के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने ज़्यादातर ऑटिज़म के केस में ये देखा है कि उसमें बच्चा नहीं बोल रहा होता है तो घर वाले ये कहते हैं कि मेरे घर में वो भी 3 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था तो अभी वेट करके देख सकते हैं। तो इन कारणों से कई बार 4-5 साल की उम्र में ये पकड़ में आता है और फिर थेरेपी देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता चला जाता है विथ एडवांसिंग एज। तो अगर आपको लगता है कि बोलने में देरी हो रही है तो कम से कम कुछ नहीं तो अपने जो लोकल पीडियाट्रिशियन हैं जिनसे आप संपर्क में रहते हैं उनसे एक बार जरूर सलाह लेनी चाहिए कि क्या इसमें कोई और भी दिक्कत है। और अगर आपको लगता है कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर के दिखाने की जरूरत है तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि चिकित्सकीय सलाह जरूर लें। जी बिल्कुल। चलते चलते सर कोयलांचल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही मेरा संदेश होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि मेडिकल अटेंशन, चिकित्सकीय सलाह लेने में झिझकना नहीं है, देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि टाइम इज़ मनी। अगर आप टाइमली चीज़ों को नहीं कर रहे हैं तो बाद में ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करने वाला है। तो टाइमली आप अटेंशन लें। और दूसरा जो मैंने आपको डिलीवरी के समय बताया, एक्सपर्ट्स पीडियाट्रिशियन मतलब जहाँ भी डिलीवरी हो रही है वो पीडियाट्रिक सेंटर है वहाँ पे एडमिट करने की सुविधा है कि नहीं, कम वजन के बच्चे हैं तो नियोनेटोलॉजिस्ट के पास मतलब उसको एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट होने का जहाँ भी हो रहा है डिलीवरी वहाँ पर वो सुविधा है कि नहीं, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके पेरेंट्स को वो करना चाहिए कि डिलीवरी में के बाद कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हों। बिल्कुल सर, से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो देखा आपने किस तरह डॉक्टर अभिषेक कुमार दुबे ने बड़ी बारीकी से विभिन्न न्यूरोलॉजी संबंधी बीमारियों के बारे में बताया, उनके लक्षणों को बताया, उनके कारणों को बताया, चाहे वो ऑटिज्म हो, ADHD हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, मस्तिष्क ज्वर हो, मिर्गी हो या अन्य कोई किसी तरह की बीमारी। कहने का सीधा उनका अर्थ था कि जिस तरह बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दुश्मन बीमारी और कर्ज इन तीनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए, उसी तरह किसी तरह की समस्या आपके बच्चों में होती है, वो न्यूरोलॉजी संबंधी हो या नहीं हो, आप उसे अनदेखा न करें, जल्द से जल्द चिकित्सकीय सलाह लें क्योंकि वो जितना देर होता चला जाएगा आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके लिए खासकर परेशानी भरा होगा और खर्चीला भी हो जाएगा। तो न्यूरोलॉजी संबंधी कोई अगर समस्या हो तो आप सीधे डॉक्टर अभिषेक कुमार दुबे से महीने के दूसरे और चौथे रविवार को बैंक मोड़ के यमुना मेंशन स्थित कुमार एसोसिएट्स में बेधड़क बेहिचक मिल सकते हैं, अपनी परेशानी अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और तदनुसार उसका इलाज करा सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सेट लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।